अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम सादिया मुबशिर है और ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, सादिया मुबशिर के नाम से है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरे यूट्यूब पे ही मुझे मैसेज आया था कि एंटी कलर्स से रिलेटेड एक वीडियो बनाएं और उसमें बताएं कि एंटी कलर्स क्या होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो एंटी कलर से रिलेटेड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियोस को आगे शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है एंटी कलर है। एंटी कलर होता क्या है उसको आज मैं एक्सप्लेन करूँगी। एंटी कलर बेसिकली जो आपके बालों के अंदर जो पिगमेंट आती है। अब बालों के अंदर जो पिगमेंट्स हैं वो कितनी तरह की पिगमेंट्स होती हैं, ये बालों की पिगमेंट्स हैं। ये बालों के अंदर जो है ना ये पिगमेंट्स आती हैं। ये जो पिगमेंट्स हैं आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं इसको क्लियर करती हूँ। आपके बालों के अंदर येलो पिगमेंट भी आती है, आपके बालों के अंदर कॉपर पिगमेंट भी आती है, ऑरेंज पिगमेंट भी आती है, रेडिश पिगमेंट भी आती है, ब्लू पिगमेंट भी आती है। ये आपके बालों के अंदर पिगमेंट्स होती हैं और इन पिगमेंट्स के एंटी कलर्स भी होते हैं। जितने डार्क बाल होंगे उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा डार्क पिगमेंट होगी और जितना लाइटर हेयर होगा उसकी पिगमेंट उतनी ही जो है वो लाइट होगी, उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि 8-9 लेवल का जो हेयर है उसमें जो है वो येलो पिगमेंट आएगी, लेकिन येलो की भी जो है वो लाइटर टोन होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग येलो नहीं होगा। जितनी डार्क पिगमेंट का बाल होगा, हेयर्स आपके सामने हैं, ये हैं हेयर्स, आपको ये देखें डार्क कलर के हेयर्स हैं, इनके ऊपर जो पिगमेंट्स आएंगी वो डार्क आएंगी। जो लाइटर शेड के 7 के बाद जो शेड्स आ रहे हैं इनमें लाइट पिगमेंट आएगी। जितना लाइट बाल होगा उतनी लाइट पिगमेंट, जितना डार्क बाल होगा उतनी डार्क पिगमेंट। अब इन पिगमेंट को हमने कैसे न्यूट्रलाइज करना है? न्यूट्रलाइज का मतलब ये है कि आपके बालों में जो पिगमेंट आएगी, रेड आएगी, ऑरेंज आएगी, कॉपर आएगी, येलो आएगी, लाइट डार्क गोल्ड आएगी, तो उन पिगमेंट को आपने ख़त्म कैसे करना है, वो किस चीज़ से ख़त्म होगी? अगर आपने हेयर डाई करना है, आपने कट डाउन किया है और कट डाउन के बाद आपके बालों में येलो पिगमेंट पे आके कलर रुक गया या कॉपर पे आके रुक गया या बहुत मेटालिक हेयर से उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल लगा हुआ था और रेड पिगमेंट पे आके रुक गया, तो ये जो पिगमेंट्स हैं इन पिगमेंट को कैसे हम ख़त्म करके तो अपना जो डिज़ायरिंग शेड है उसको अचीव कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो जो एंटी कलर्स होते हैं, अब जैसे आप ये व्हील देख रहे होंगे शेड कार्ड में, अब देखें ये जो पिगमेंट्स हैं, मैं क्रीप करके आपको दिखाती हूँ जूम करके, ये जो पिगमेंट्स हैं ये देखें, येलो की भी डार्कर से लाइटर की तरफ जा रही है, जो ऑरेंज है वो भी डार्कर से लाइटर की तरफ जा रही है, रेड है वो भी डार्कर से लाइटर की तरफ जा रही है। अब येलो का जो एंटी कलर है उसके जो ऑपोजिट में है वो वॉयलेट है। अब जो रेड का ऑपोजिट है, जो उसको उस रेड कलर को ख़त्म करेगा वो ग्रीन कलर है, और जो ऑरेंज कलर को ख़त्म करेगा वो ब्लू कलर है। तो जब आपके बालों में पिगमेंट आएगी तो आपने याद रखना है, अगर येलो पिगमेंट है तो उसको आप उसका एंटी कलर वायलेट उठाएंगे और उससे आप उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर आपके बालों में ऑरेंज पिगमेंट है ब्लू कलर से करेंगे, रेड आई है तो ग्रीन से करेंगे। अब जो बात है कि हमने कितनी क्वांटिटी में करना है, कितनी वो आपने देखना है। देखें जितनी डार्कर आपका येलो पिगमेंट होगी, आपकी जो वायलेट कलर की क्वांटिटी है उसी हिसाब से आपने उसको डाल के उसमें करना है। जितनी लाइटर होगी और वायलेट कलर की पिगमेंट को भी कम रखना है। तो ये है कि ये इसको आपने आप 20 वॉल्यूम में भी ऐड कर सकते हैं, इसको आप शैम्पू में भी ऐड कर सकते हैं, और इनके एंटी कलर्स के शैम्पू भी आते हैं, अल्ट्रा वायलेट शैम्पू, अल्ट्रा ग्रीन शैम्पू, अल्ट्रा ब्लू शैम्पू के नाम से आते हैं। तो मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के। अगर आपके पास कलर्स नहीं हैं तो आप इनकी शैम्पू भी ले सकते हैं। तो शैम्पू से अच्छा है कि आप कलर ट्यूब ले लें, वो आपको रीज़नेबल पड़ती है। इनके शैम्पू थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। अब यह है कि ये जो शैम्पूज़ हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपने कट डाउन किया, कट डाउन के फ़ौरन बाद आपने जो है ना जो भी पिगमेंट आएगी उसको न्यूट्रलाइज़ कर लें आप एंटी कलर शैम्पू के साथ या एंटी कलर्स के साथ, उसको 20 वॉल्यूम या 10 वॉल्यूम में मिक्स करें
और उसको जो है शावर यूनिट पे गीले हेयर्स के ऊपर ही उसको लगा दें। नहीं तो आप शैम्पू के अंदर ग्रीन कलर को या ब्लू कलर को या वॉयलेट कलर को ऐड करें तो उसका अल्ट्रा वॉयलेट शैम्पू खुद ही बना लें। आप देखें जितनी स्ट्रॉन्ग पिगमेंट है उतना ज़्यादा आप कलर को ऐड करें शैम्पू में, 3 से 4 इंच उसको ऐड करके शैम्पू में और उसके फुल हेयर पे करके अच्छे से मल्सीफाई कर दें। अगर तो शैम्पू नहीं करते तो आप उसको 20 वॉल्यूम या 10 वॉल्यूम में डाल के शावर यूनिट के ऊपर ही उसको अप्लाई कर दें और अच्छे से उसको जो है ना सारे हेयर्स के ऊपर अच्छे से मल्सीफाई करें। तो दो तरीके हैं, मैं दोनों यहाँ पर मैंशन करती हूँ, लिखती हूँ, आप दोनों जो है ना वो नोट कर लीजिए। शैम्पू प्लस एंटी कलर्स। शैम्पू में आप ब्लू कलर, ठीक है, अगर आपकी पिगमेंट जो है वो ये देखें ऑरेंज पिगमेंट है, अगर रेड पिगमेंट है तो ग्रीन, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपकी पिगमेंट जो है येलो में आ रही है तो उसके लिए आप वॉयलेट शैम्पू, ठीक है, वॉयलेट बनाएंगे तो वॉयलेट कलर ट्यूब उसमें ऐड कर दें। ये है आपकी येलो पिगमेंट के लिए, ठीक है, ग्रीन है आपकी रेड पिगमेंट के लिए, ब्लू है आपकी जो ऑरेंज पिगमेंट के लिए, ठीक है, ये ऑरेंज पिगमेंट के लिए। तो ऑरेंज पिगमेंट आएगी तो ब्लू कलर को आपने शैम्पू में ऐड कर देना है, रेड पिगमेंट आएगी तो ग्रीन कलर को शैम्पू में ऐड कर देना है, येलो पिगमेंट आएगी तो आपने वॉयलेट कलर को शैम्पू में ऐड करके अच्छे से बालों पे लगा देना है। तो आपके बालों के जो है ना जो भी पिगमेंट होगी उसकी वो कटिंग हो जाएगी, कट हो जाएगा, एंटी कलर्स हैं वो, ठीक है। जब आपके कलर्स जब वो आप एंटी कलर कर लें, अपने बालों को न्यूट्रलाइज कर लें, फिर देन जो आपका डिज़ायरिंग शेड है उस शेड को आपने अप्लाई करना है। अगर आपने कट डाउन किया हुआ है, कट डाउन के बाद आप 10 वॉल्यूम के साथ भी कलर को जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं और 20 वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हैं, वो आप पे है कि बाल अगर बहुत ही ज़्यादा केमिकल उस पर यूज़ हो चुका है, कट डाउन बहुत स्ट्रॉन्ग यूज़ हुआ तो फिर आप 10 वॉल्यूम यूज़ करें, और अगर हेल्दी बाल है, अच्छा बाल है तो आप उस पर 20 वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो है मैं मज़ीद किसी अच्छी टॉपिक के साथ आपसे जो है वो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।